कचरा है उसे ही पड़ा हुआ है, नगर निगम वाले को ही नहीं। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मजबूर हैं। बिहार में मानसून का मौसम आ चुका है और मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों तक चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश की आशंका है बिहार के सभी ज़िलों में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मिठनपुरा इलाके में, जहां के क्लब रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है, नगर निगम रोड बना रहा है लेकिन क्या हालत हो गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम स्टेट बैंक के पास हैं, जहाँ पर देख सकते हैं क्या स्थिति है। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर पूरा जो है सड़कों के पास आ चुका है और तस्वीरों में देख सकते हैं कितना गंदा पानी है और इससे बीमारी फैलने की आशंका भी है। लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, से जाम लगा हुआ है, सड़कें जाम हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार काफ़ी लंबे समय से इस रोड का निर्माण हो रहा है लेकिन अभी तक रोड नहीं पूरी, एक ही तरफ सड़क है वो आधी अधूरी भी पूरी कर ली गई है। दूसरे तरफ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति हो गई है और क्या हालत है, लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी बरसात की बारिश हुई भी नहीं है, उससे पहले ये स्थिति है मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा पानी टंकी रोड की। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पॉश इलाका माना जाता है उसके बावजूद यहाँ की हालत क्या है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़क जाम है और नीचे की हालत क्या है वो देख सकते हैं। लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों का साफ कहना है कि नगर निगम ध्यान नहीं देता है, काम भी करता है तो आधा अधूरा काम करता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। आप पीछे की तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से नगर निगम के जो दावे हैं, बरसात पूर्व तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी लेकिन ये दावे सिर्फ बैठकों में दिखाई देते हैं, ज़मीनी पर कोई दावा दिखाई नहीं देता है। सड़कें जाम हैं, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का साफ साफ कहना है इस जल जमाव की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कुछ दिक्कत होती है। हम बात करेंगे क्या किस स्थिति है, कितनी कठिनाई होती है। बहुत कठिनाई होती है। बिक्री पर क्या असर होता है? बिक्री तो साफ़ नहीं है। देख ही रहे हैं आप लोग, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो लोगों का, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और भी लोगों के आप बात सुनिए और उन लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। पानी तो हमेशा दिखते है, हाँ हमेशा दिक्कत, यहाँ तो इतना पानी लगा रहता है जो कुछ कमी नहीं होता है। हाँ बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, बहुत दूर घूम के जाना पड़ता है उधर से। गंदा पानी है ये, कभी भी 15 दिन से पानी है, पिछले बार जो पानी हुआ उस समय से है। बीमारी भी होने की, हाँ बीमारी होगा ना। ठीक है, आप पानी का जल जमाव देख ही रहे हैं, इससे हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जिससे के कारण देख ही रहे हैं कितना गंदगी है, बस बीमारी फैलने की संभावना तो पूरा है। अब कचरा है उसे ही पड़ा हुआ है, नगर निगम वाले को ही नहीं। हाँ कभी काल कुछ जगह है गड्ढा उड्ढा, जहाँ की अब बुजुर्ग लोग जाते हैं उनको पता नहीं है, हम लोग है कि पता है कि कहाँ पर गड्ढा है उसके अनुसार अपना निकल जाते हैं। बहुत बुरा हालत है, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना, पूरा दम नाला दम ऊपर है, बह रहा है। बरसात होने वाली है, क्या स्थिति हो जाएगी? इससे बदतर दुकान में पानी घुस जाएगा सब जगह, खत्म हो जाएगी। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक नहीं, एक दो तीन चार आ रहे हैं बस, जैसे तैसे बिजनेस चल रहा है। बिजनेस तो बहुत बड़ा, बहुत बुरा सब कर रहा है। अब पानी हेल के थोड़ी जाएंगे लोग, अब बस जाम लग जा रहा है एक तरफ से रोड बनाया तो एकदम हम लोग बैठे रहते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं है। क्या समस्या है यहाँ पर? यही पानी लगा रहता है, कोई आता नहीं, नाला का पानी उपला हुआ है, रोड है नहीं कुछ, एक तरफ बनता है एक तरफ नहीं बनता है, ये लाइन से ठीक से बनता नहीं है। अब तो बरसात भी आ गया, बरसात तो आ ही गया, अब तो क्या होगा, अब दुकान में पानी घुस जा रहा है और अंदर से चल जाता है पानी, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सामान बहुत नुकसान हो जाता है, क्या करें, कोई चारा नहीं। नगर निगम कोई ध्यान देता है? नगर निगम तो अभी क्या होगा, यहाँ तो दरमाहा मिलना है बस, और क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मजबूर हैं। देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, मेन है कि आधा काम इधर आधा काम उधर करके बीच में नाली ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे पानी जमा हो रहा है। दुकानदारी पे क्या दुकानदारी पे तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं, कोई उपाय नहीं है।
बीमारी भी फैलने का सर, बीमारी भी फैलने का। कितना गंदा पानी है वो देखिए, छाछ नहीं आ रहे बिल्कुल नहीं। नगर निगम ध्यान दे रहा है कि नहीं? कहाँ, कोई नहीं है, कोई ध्यान देने वाला, कोई ध्यान देने वाला। तो आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। लोगों का साफ साफ कहना है नगर निगम सिर्फ दावे करता है लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं होता है, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस बार भी बारिश में शहर डूबेगा ही, चाहे कई दावे कर ले नगर निगम लेकिन डूबने से शहर को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि स्थिति ऐसी ही नज़र आ रही है। लाइव सिटीज़ के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक।